लोगों को स्वागत है जे डेनियल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास एक प्रेस्टीज का एक इंडक्शन आया है रिपेयर होने के लिए, और इस इंडक्शन का जो मॉडल नंबर है देखिए पीक 3.1B3 का ये इंडक्शन है। और इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसका जो डिस्प्ले पैनल है, डिस्प्ले पैनल ऑन हो रही है लेकिन इसका जो पावर बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन, ये काम नहीं कर रही है। देखिए एक बार आपको इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीरीज बोर्ड पे इसको लाइन दे दिया और वो भी इसका जो ऑन ऑफ बटन है देखिए काम नहीं कर रही है। तो कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है आप लोगों को दिखाएंगे इसको ओपन करके। अगर आपका घर का इंडक्शन में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग भी इसको इजीली घर बैठे बैठे रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आइए इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए मैंने इंडक्शन को ओपन कर लिया और वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इसका अंदर कितना डस्ट है, देखिए देखिए फैन में, और इसका जो काबार, और देखिए जो कोयल है कोयल के अंदर, और पीसीबी में देखिए कितना डस्ट है। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इंडक्शन रिपेयर करते हो और इंडक्शन को खोलने के बाद अगर ऐसा डस्ट आपको देखने को मिलेगा इंडक्शन में, तो ज़रूर सबसे पहले इसको क्लीन करना होगा, ठीक है। अगर क्लीन नहीं करेंगे और आप रिपेयर कर देंगे इसको, तो बाद में इस इंडक्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगा वो एक मिनट या दो मिनट चलने के बाद आपका इंडक्शन में हाई टेम्परेचर का जो एरर कोड है, एरर कोड आ जाएगा। और इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम होगा, आपका जो कोयल है, यहाँ पे जो कोयल है, कोयल के ऊपर जो इंसुलेटर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और कोयल ओवर हीटिंग होगा और कोयल आपका कोयल ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स, आपका इंडक्शन का अगर ओवर हीटिंग होता है और ओवर हीटिंग का जो एरर कोड है वो अगर नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में आपका इंडक्शन का जो IGBT है वो IGBT तुरंत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका इंडक्शन का अंदर अगर डस्ट रहेगा तो सबसे पहले इसको क्लीन करना होगा। तो फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को बताते हैं डिस्प्ले प्रॉब्लम क्यों होता है इंडक्शन में। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए जो ऑन ऑफ पावर बटन का जो स्प्रिंग है, देखिए ये वाला, इसमें देखिए सल्फर आ गया कितना। तो इस कंडीशन में इसको क्लीन करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर क्लीन करने के बाद भी अगर वो सही नहीं होगा तो यहाँ से किसी भी एक स्प्रिंग आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा देखिए, कभी कभी देखिए यहाँ पे अगर काल्पर या लीकेज कारण बनेगा या ज़्यादा डस्ट के कारण भी यहाँ पे यह प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पे कितना डस्ट है, तो इसी कारण यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी लीकेज कारण बनेगा तो आपका जो डिस्प्ले पैनल है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा या ऑन नहीं होगा या ऑन होकर ऑफ हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके इंडक्शन में भी आती है तो आपको सबसे पहले इसको क्लीन करना होगा, और क्लीन करके आपको देखना है वो सही होता है या नहीं। फाइनली फ्रेंड्स देखिए, मैंने इंडक्शन का जो डिस्प्ले पैनल है देखिए मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया। देखिए इसमें जो स्प्रिंग था, जो स्प्रिंग में जो सल्फर था ऑन ऑफ स्प्रिंग में, इसको भी क्लीन कर लिया, और बैक साइड में देखिए इस पर भी क्लीन कर लिया। देखिए तो और देखिए इसका, देखिए इसके अंदर जो डस्ट था मैंने इसको भी क्लीन कर लिया, और फैन को भी क्लीन कर लिया, और किसी भी को भी। तो वो भी एक बार इसको लाइन दे के आप लोगों को दिखाते हैं इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। आइए इसको भी सीरीज बोर्ड पे लाइन दे के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लाइन दे दिया, वो भी इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका टॉर्च देखिए वो भी काम कर रही है, देखिए देखिए प्रॉपर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।